नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गीता जोशी। 45 साल पहले ईरान में हुई इस्लामिक क्रांति की कीमत वहां किसी को चुकानी पड़ी तो वो महिलाएं थीं। ईरान ने विकास बहुत किया लेकिन परंपरा के नाम पर दकियानूसी सोच की बंदिशों में महिलाएं बंधी रहीं। हिजाब की जबरदस्ती के खिलाफ वहां की एक नामचीन यूनिवर्सिटी की छात्रा ने कपड़े उतार कर प्रोटेस्ट किया तो पुलिस ने उसको उठा लिया। वो छात्रा 3 दिन से कहाँ है किसी को नहीं पता। पूरे ईरान में इस पर एक डरावनी खामोशी छाई हुई है। ईरान में महिला अधिकारों के लिए लड़ने के कारण जेल में बंद नोबेल शांति पुरस्कार विजेता नरगिस मोहम्मदी ने कहा है कि महिलाएं अपने विरोध की कीमत चुकाती हैं, वो छात्रा भी चुका रही है। ये 1979 से पहले की ईरान की तस्वीर है जहाँ महिलाओं को अपनी मर्जी से जीने का अधिकार था, अपनी इच्छा से कपड़े पहनने का हक था। ये 1979 के बाद की तस्वीर है जहां ईरानी महिलाओं के अरमान हिजाब के नीचे सिसकने लगे और ये 2 नवंबर 2024 की तस्वीर है जब एक लड़की ने हिजाब तो छोड़िए सारे कपड़े उतार कर हुकूमत और सिस्टम के विरोध में सिर्फ इनरवियर में घूमने लगी। ये 3 तस्वीरें ईरान में बदलते हुए 3 हालात को दर्शा रहे हैं। एक महिलाओं की आज़ादी और गरिमा की तस्वीर है, दूसरी महिलाओं पर दकियानूसी बंधनों की तस्वीर है और तीसरी ईरान के आक्रोश की तस्वीर है। ये मंजर ईरान की इस्लामिक आज़ाद यूनिवर्सिटी के साइंस एंड रिसर्च ब्रांच का है जहां की एक छात्रा अहो दारियाई ने पिछले शनिवार को अपने कपड़े उतार दिए और इनरवियर में घूमने लगी, जबकि उसके आसपास की सभी लड़कियां हिजाब और इस्लामिक लिबास में नजर आ रही थीं। ईरान से खबर आई कि छात्रा ने संस्थान के ड्रेस कोड नियमों के खिलाफ अपना विरोध जताने के लिए अपने कपड़े उतार दिए। हालांकि छात्रा के कपड़े उतारने के कुछ देर बाद ही ईरानी पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। उसके बाद से वो लड़की कहाँ है ये किसी को पता नहीं है। खास बात यह है कि इस पर ईरानी पुलिस और प्रशासन ने भी खामोशी ओढ़ ली है। मेरा ख्याल है ये तो पुलिस हिरासत में होगी। पहली बात तो ये कि उसका वो टेस्ट करेंगे कि क्या ये मेंटल केस तो नहीं है, और दूसरी बात ये कि ईरान में दोनों किस्म के रूल हैं, काफ़ी हद तक शरिया लॉ भी होता है। शरिया के हिसाब से जो भी होगा इसको सज़ा मिल सकती है, लेकिन अगर दिमागी तवज़ुन उसका ख़राब होगा तो मुझे नहीं लगता कि उसको कोई सज़ा मिलेगी, बल्कि ये है कि उसको भेजा जाएगा इलाज के लिए और सख्तियाँ बढ़ेंगी। एक तो एक वजह से, और भी अगर उसने जान के ऐसा किया है तो मैं समझता हूँ कि वो लड़कियों पर सख्तियाँ भी बढ़ाएंगे। शनिवार को दारियाई की गिरफ्तारी के बाद खबर आई कि उसे एक मनोरोग केंद्र में रखा गया है। यूनिवर्सिटी की ओर से बताया गया कि महिला की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और वो ज़बरदस्त मानसिक तनाव में है। हालांकि एमनेस्टी इंटरनेशनल ने ईरान के पुलिस अधिकारियों से उस छात्रा को तुरंत और बिना शर्त रिहा करने की मांग की है, लेकिन ईरानी पुलिस से ऐसी उदारता की उम्मीद नहीं दिखती। ईरान की एक बेटी मजहबी बंदिशों में घुटन महसूस कर रही है, लेकिन इसका एहसास उसके सबसे बड़े धर्मगुरु आयतुल्लाह अली खामनेई को कतई नहीं है। उन्हें अमेरिका और इजराइल की बारूदी दुर्गंध तो महसूस होती है, लेकिन महिलाओं के लिए मजहब के नाम पर बंदिशों की दुर्गंध महसूस नहीं होती। दुश्मन चाहे वो इजरायली हो या अमेरिकी, ईरानी राष्ट्र और इसकी सेना के खिलाफ जो भी कुछ बुरा कर रहा है उसके बदले में उन्हें निश्चित रूप से करारा जवाब मिलेगा। 1989 में जब ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई थी तब भी हिजाब की अनिवार्यता के खिलाफ महिलाओं ने विरोध किया था, तब से वो आवाज दबाई गई। लेकिन मसहा अमीनी की मौत से लेकर दारियाई की पुलिस प्रशासन की कैद में रखे जाने तक ईरानी महिलाओं की चीख आज भी इंसाफ मांग रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।
ईरान में महिलाओं के लिए ड्रेस कोड इतने सख्त हैं कि सार्वजनिक स्थल पर कोई महिला अगर भड़काऊ लिबास पहन ले तो जेल हो जाएगी। अगर किसी यूनिवर्सिटी में कोई लड़की आज़ाद ख्यालों के साथ अपनी मर्जी का लिबास पहनकर चली जाए तो उस पर कोड़े बरसाए जाएंगे, क्योंकि ईरान का कानून किसी महिला की आज़ादी और इच्छा को गुनाह मानता है। यह हाल तब है जबकि ईरान में तमाम महिलाओं ने विरोध का झंडा बुलंद किया। 2 साल पहले एक कुर्द लड़की की मौत ने ईरान को हिला दिया था, लेकिन महिला विरोधी सोच अब तक नहीं हिली है। आयतुल्लाह अली खामनेई ईरान के इस सुप्रीम लीडर के इशारे के बगैर ईरानी सत्ता में एक पत्ता तक नहीं हिलता। इनका इशारा ही ईरानी हुकूमत के लिए सबसे बड़ा हुक्म होता है। लेकिन इनकी इस्लामिक क्रांति की कीमत ईरानी महिलाओं को सबसे ज्यादा चुकानी पड़ती है, इसीलिए वो विरोध का झंडा बुलंद करती हैं। कभी मसहा अमीनी के रूप में, कभी दारियाबी के रूप में। गांव छोटे शहरों की जो वीमेन है वो काफ़ी कंजर्वेटिव है और वो संख्या भी उनकी बहुत है और वो रिजीम के साथ नज़र आती हैं, हिजाब में भी नज़र आती हैं। लेकिन ये था कि हिजाब का जो मूवमेंट हुआ उसके बाद से काफ़ी हम देख रहे हैं ईरान के अंदर जो तस्वीरें आ रही हैं, रिपोर्ट्स आ रही हैं, वहाँ से उससे लगता है कि काफ़ी छूट ने दे दी है, इसलिए कि बड़ी संख्या में तेहरान और बड़े बड़े शहरों में लड़कियां बगैर हिजाब के भी नज़र आ रही हैं। लेकिन वो चाहते हैं कि ड्रेस कोड एक मॉडेस्टी बनी रहनी चाहिए ताकि इस्लामिक सोसाइटी या इस्लामिक कल्चर, उसके ऊपर इनका एम्फेसिस काफ़ी है। ईरानी संविधान के मुताबिक महिलाएँ सार्वजनिक स्थलों पर भड़काऊ लिबास नहीं पहन सकती। अगर वो ऐसा करती हैं तो इसके लिए 10 साल जेल का प्रावधान है। 2 साल पहले किसी यूनिवर्सिटी के अंदर ड्रेस कोड से जुड़े कानूनों को और ज्यादा कड़ा कर दिया गया था। उन कानूनों को तोड़ने वाली महिलाओं को सजा के रूप में 74 कोड़े और 35,000 रुपए तक जुर्माना लगाने की बात की गई। लेकिन ईरानी हुकूमत की दमन की इन नीतियों और कानूनों से महिलाओं ने अपनी आवाज को दबाया नहीं। उन्हें जब मौका मिला उन्होंने हिजाब की बंदिशों से निकलने के लिए, अपने हक के लिए लड़ने में हिचकिचाहट नहीं दिखाई, भले ही उनके आंदोलन कभी कामयाब होते नहीं दिखे। ये ईरान की इस रिजीम ने डेवलपमेंट, एजुकेशन, इन 2-3 मुद्दों पे बहुत ध्यान दिया है। उनके जो प्रोग्राम्स हैं आप देखिए, न्यूक्लियर प्रोग्राम उनका बहुत विस्तार से फैला हुआ है और उन्होंने काफ़ी सिविल न्यूक्लियर क्षेत्र में काफ़ी काम भी किए हैं, इलेक्ट्रिसिटी के अलावा हेल्थ सर्विसेज में भी। फिर उसके अलावा उनका स्पेस प्रोग्राम भी है, उसके अलावा ये भी कि सेल्फ रिलायंस उनकी पॉलिसी है। डिफेंस सेक्टर में उन्होंने काफ़ी अच्छे मिसाइल और ड्रोन्स ये सब बनाए हैं, और इसके अलावा इंडस्ट्री, 2 मोटर कार भी वहीं पर डेवलप की हैं और बनती हैं और काफ़ी अच्छी बताई जाती है, उसका एक्सपोर्ट भी ये करने लगे हैं। ये तस्वीर अप्रैल 2018 की है। ईरान की राजधानी तेहरान में एक महिला ने ढीला हिजाब पहना तो महिला मोरेलिटी पुलिस अधिकारी ने उसकी सरेआम पिटाई कर दी। इस घटना की दुनिया भर में चर्चा हुई, लेकिन ईरानी हुकूमत की कान पर जूं तक नहीं रहेंगी। लेकिन 4 साल बाद 2022 में कुर्दिस्तान प्रांत की रहने वाली 22 साल की महसा अमीनी की पुलिस हिरासत में मौत पर मचे बवाल ने ईरानी हुकूमत को परेशान कर दिया। तब अमीनी को ईरान की मॉरेलिटी पुलिस ने हिजाब को सही तरीके से नहीं पहनने के आरोप में गिरफ्तार किया था। यहां तक कि अमीनी को डिटेंशन सेंटर में ले जाते पुलिस ने उसके कपड़े तक फाड़ दिए और उससे मारपीट भी की। बाद में अस्पताल में महसा अमीनी की मौत हो गई। तब महसा अमीनी के जनाजे में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए थे।
जनाजे में शामिल महिलाओं ने विरोध में अपने हिजाब उतार दिए थे। कई महिलाओं ने हिजाब के विरोध में अपने बाल कटवा दिए थे। हिजाब के खिलाफ उस प्रोटेस्ट के दौरान 550 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई। हजारों लोगों ने डर छोड़कर अपनी गिरफ्तारियां दी। उस विरोध का नतीजा ये हुआ कि 3 महीने बाद ईरान पुलिस को मॉरलिटी पुलिस को ख़त्म करना पड़ा। ईरान की हुकूमत और सेना अमेरिका इसराइल जैसे दुश्मनों से अपना लहजा बदला लेने की धमकी तो देती है, लेकिन अपने देश के महिलाओं के प्रति अपना लहजा बदलने को तैयार नहीं दिखती। हम हमेशा अमेरिका और इसराइल को चेतावनी देते हैं कि यदि उन्होंने अपना व्यवहार नहीं बदला तो वो पतन और विनाश की ओर बढ़ेंगे। दरअसल ईरान को बाहरी मोर्चे पर अगर इसराइल जैसे देश से जूझना पड़ रहा है तो अंदर महिलाओं के आक्रोश से। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। इस्लामिक क्रांति ने ईरानी महिलाओं से क्या क्या छीन लिया, कैसे 1979 के बाद ईरान में महिलाओं की जिंदगी बदल गई, कैसे उनके अधिकार सिमटते चले गए, वो सब दिखाएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 1979 में इस्लामिक क्रांति से पहले ईरान का समाज बेहद उदार और खुला हुआ था, लेकिन बाद में हुए परिवर्तन से महिलाओं की जिंदगी बंदिशों के साए में गुजरने लगी। नतीजा ये हुआ कि महिलाओं के बहुत सारे अधिकार इन 45 वर्षों में खत्म या कम होते गए। उन्नीस की इस्लामिक क्रांति ने ईरान में महिलाओं के हालात को दो हिस्सों में बांट दिया। 1936 में ईरानी शासक रजा शाह ने कश्फ ए हिजाब लागू किया, जिसका मतलब हुआ कि कोई महिला हिजाब पहनेगी तो पुलिस उसे उतार देगी। लेकिन 1979 के बाद हिजाब अनिवार्य कर दिया गया। 1941 में मोहम्मद रजा ने राज संभालते ही महिलाओं को अपनी पसंद का लिबास पहनने का हक दिया, लेकिन इस्लामिक क्रांति के बाद कॉस्मेटिक्स पर बैन लगा दी गई। हालांकि महिलाओं को वोट देने का हक पहले भी था, आज भी है। इस्लामिक क्रांति से पहले महिलाओं को बराबरी का हक था, लेकिन वो हक अब बहुत सीमित हो गया है। महिलाओं को पहले गर्भपात का हक था, लेकिन अब वो शर्तों के साथ है। इस्लामिक क्रांति से पहले ही महिलाओं के लिए शादी की उम्र 13 साल से बढ़ाकर 18 साल की गई थी, लेकिन बाद में इसे घटाकर 9 साल कर दी गई। ये जरूर है कि पढ़ाई पर जोर पहले भी था, आज भी है, लेकिन पढ़ाई किस काम की जिसमें एक जिंदा इंसान हिजाब की बंदिशों में घुटता रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।